नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली एनसीआर में अपने करीबी सोशल नेटवर्क में किसी को कोविड होने की सूचना देने वाले लोगों की संख्या में पिछले 15 दिनों में 500% की वृद्धि हुई है। एक सर्वेक्षण में यह दावा किया गया है, दिल्ली और एनसीआर के कम से कम 19% लोगों ने सर्वेक्षण में बताया कि उनके करीबी नेटवर्क के एक या एक से अधिक व्यक्ति पिछले 15 दिन में संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। यह सर्वेक्षण लोकल सर्कुलर नामक कंपनी ने कराया है और इसमें सामने आया है कि कोविड नेटवर्क प्रीवलेंस पिछले 15 दिन में 500% तक बढ़ा है। कंपनी ने बताया कि सर्वेक्षण में दिल्ली और एनसीआर के सभी जिलों में 11,743 लोगों से पूछताछ की गई है। इसमें लोगों से पूछा गया, आपके करीबी सोशल नेटवर्क, परिवार, मित्र, पड़ोसी, सहकर्मी में बच्चों समेत कितने लोग हैं जिन्हें पिछले 15 दिन में कोविड हुआ है। उत्तर देने वालों में से करीब 70% ने कहा पिछले 15 दिन में कोई भी नहीं, 11% लोगों ने कहा एक या दो, 8% लोगों ने कहा 3 से 5, वही 11% अन्य लोगों ने कहा नहीं बता सकते। 2 अप्रैल को भी कंपनी ने यही प्रश्न पूछे थे और पाया था कि केवल 3% लोगों के करीबी नेटवर्क में कोई न कोई पिछले 15 दिन में संक्रमित हुआ है। गौरतलब है कि सर्वेक्षण के ये परिणाम ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब दिल्ली में भी संक्रमण के मामले तेजी से आए हैं। तो ऐसी ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर, आप देखते रहिए इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।